हेलो एवरीवन, मैं विनया आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हम व्रत के लिए स्पेशल हेल्दी और टेस्टी उपमा बनाने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। चलिए फिर रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो उपमा बनाने के लिए हमने कढ़ाई को गैस पे रखा है। अब इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। आप यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उपमे के साथ खाने के लिए मैंने यहाँ पे फीकी वाली बड़ी एक हरी मिर्च को बीच में से काट लिया है और इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। अब इसे मैं मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो हरी मिर्च फ्राई हो चुकी है, अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और उसके बाद हम उपमा बनाना शुरू करते हैं। तो उपमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 2 से 3 चम्मच मूंगफली, 2 से 3 बारीक कटी हुई तीखी वाली हरी मिर्च तेल में डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को हम 1-2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हरी मिर्च और मूंगफली फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। तो जीरा जल्दी से जल जाता है, इसलिए हमने जीरे को बाद में डाला है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता इसमें डाल दिया है। अब कड़ी पत्ता फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटा हुआ आलू। तो आलू को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। बारीक कट करने की वजह से आलू जो है वो जल्दी से पक जाते हैं। तो अब आलू को कढ़ाई में डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, पूरी तरह से पका लेंगे और उसके बाद हम बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। तो अब आलू जल्दी से पक जाए इसलिए मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। तो सेंधा नमक का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप व्रत के लिए जो नमक इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल यहाँ पे कीजिएगा। तो अब कढ़ाई पे ढक्कन रख के हम आलू को अच्छी तरह से पका लेंगे। बीच बीच में आपको ढक्कन खोल के चेक कर लेना है कि आलू पके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आलू जो है यहाँ पे अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 बारीक कटा हुआ टमाटर। तो अगर आप टमाटर व्रत के टाइम पे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। अब ढक्कन रख के टमाटर को हमें 1-2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। अब 2 मिनट बाद मैं चेक कर लेती हूँ कि टमाटर ठीक से पके हैं या नहीं। तो टमाटर बिल्कुल परफेक्टली पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें 3/4 कटोरी व्रत का आटा यानी कि उपवास भाजनी डालूंगी। तो मेरा 1 कप यहाँ पे 240 ml का है। तो ये आटा आपको रेडीमेड बाज़ार में मिल जाता है और अगर आप रेडीमेड नहीं लाना चाहते तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। तो घर पे बनाने के लिए आपको साबूदाना, राजगिरा और भगर यानी कि समा के चावल चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आपने भगर को 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। उसके बाद आप साबूदानों को भी 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लीजिएगा। उसके बाद आपको राजगिरा को भी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। तो ये सारी चीज़ें भूनते वक्त आपको कंटिन्यूसली इन्हें चलाते जाना है ताकि ये जले ना। और ये सारी चीज़ें भून जाए उसके बाद आपको इन्हें ठंडा करना है और फिर आपको इन्हें मिक्स करके मिक्सर के बर्तन में अच्छी तरह से इसकी पाउडर बना लेनी है। अगर आप चाहे तो इन सारी चीज़ों को चक्की में भी पीस सकते हैं। और अगर आप व्रत के टाइम पे जीरा खाते हैं तो आप इसमें जीरा भी भून के डाल सकते हैं। तो इस आटे को बनाने के लिए सारी चीज़ों की क्वांटिटी कितनी लगेगी उसकी लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। तो अब इस आटे को सारी चीज़ों के साथ हमने अच्छी तरह से मिक्स करके 1-2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 कप गर्म पानी। अब गर्म पानी डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे और जब ये गाढ़ा हो जाए तो हमारा उपमा जो है वो रेडी हो जाएगा। तो बिल्कुल अच्छी तरह से मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लेती हूँ। गैस को हमने लो फ्लेम पे ही रखा है। तो सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी है और आप देख सकते हैं हमारा उपमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब उपमा हमने दही, फ्राई की हुई हरी मिर्च और नींबू के साथ सर्व कर लिया है। और इस उपमे को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी होता है और टेस्टी भी होता है। बस ये सूजी के उपमे जैसा
नहीं बनता है, थोड़ा सा चिपचिपा होता है लेकिन टेस्ट बड़ी अच्छी होती है। तो इस उपमे का जरूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगती है आपको ये रेसिपी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में घंटी को भी दबाइएगा ताकि मेरी सारी अपडेट्स आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और देखते रहिए विनया काकड़ेज कुकिंग।